गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग के बाद फिर से एक अलग अंदाज में दी गई है सलमान खान को धमकी। एक बार फिर से गैलेक्सी अपार्टमेंट का सामना हुआ है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। सलमान की सिक्योरिटी को लेकर फिर से अलर्ट मोड पर आ गई है मुंबई पुलिस, क्योंकि आज एक बार फिर से बेहद नाटकीय अंदाज में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पीछा किया गया है सलमान खान का। और इस बार मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट के साथ चर्चा में है दिल्ली एनसीआर का गाजियाबाद और गाजियाबाद का एक शख्स रोहित त्यागी। आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल को हुई फायरिंग की वारदात के बाद से आज पहली बार कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए सलमान खान। जानकारी के मुताबिक सलमान खान आज दुबई के लिए रवाना हुए, लेकिन आज यानी 19 अप्रैल को सलमान खान अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकले, उसके कुछ ही घंटे बाद मुंबई में सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के गेट पर ओला की एक कैब आकर रुकती है। कैब ड्राइवर अपनी गाड़ी से बाहर आता है और जैसे ही गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्ड से बात करता है, वैसे ही वहां हड़कंप मच जाता है। हड़कंप लॉरेंस बिश्नोई के नाम का, क्योंकि ओला ड्राइवर का कहना था कि वो सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट से लॉरेंस बिश्नोई को पिकअप करने आया है। जाहिर सी बात है कि सलमान खान के घर के पते पर कोई शख्स अगर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पिक करने पहुंचेगा तो हड़कंप मचना तय है। इसीलिए आनन फानन में मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जांच में पता चला कि गाजियाबाद के रोहित त्यागी नाम के एक शख्स ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए ओला बुक की है और पता दिया है गैलेक्सी अपार्टमेंट का। ओला की जो राइड बुक की गई थी उसमें पिकअप पॉइंट का पता सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट था और ड्रॉप लोकेशन थी बांद्रा पुलिस स्टेशन। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद से रोहित त्यागी नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इससे जुड़ी और तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।